जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में टकराव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। तरनतारन रोड स्थित न्यू अंतर्यामी कॉलोनी में जमीनी विवाद को लेकर एसजीपीसी व हरपाल सिंह यूके के बीच में खूब टकराव चला। हरपाल सिंह यूके ने आरोप लगाया है कि एसजीपीसी उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहती है, जबकि जमीन को लेकर माननीय अदालत में केस चल रहा है और उन्हें स्टे भी मिल चुका है। वहीं दूसरी ओर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों को अपनी अपनी मिल्कियत संबंधी कागजात लाने के लिए कहा है। कागजात की जांच करने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से जतिन की रिपोर्ट, लाइव भारत। श्रोमणी कमेटी वालों जगह से कब्जा करने की कोशिश की गई, की कहना चाहते हैं, अपना नाम दस। मैं हरपाल सिंह यूके चेयरमैन न्यू फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो ये जगह इतने 58 कनाल टोटल जगह, जो सुल्तानवे पिंड शामलाड़ की जगह 1476 तो लेकर 1485 तक है। इस जगह का डिस्प्यूट कोर्टा में चलता है। चार किलिया के स्कूल ते कलोनियां कोठियां दुकाना और कॉलेज बने हैं। तीन किले खाली जगह है, जो किराएदार ने खाली की, चार पाँच साल खाली की है। इसका केस अदालत में चलता है। इसका केस मेरे नाम से, मेरी वाइफ रजविंदर कौर के नाम से अदालत में चलता है, जो मानयोग अदालत सिविल कोर्ट ने भी स्टे दिता हुआ है। मानयोग FCR की कोर्ट ने भी स्टे दिता है। और जेड़ा इन्हें इंतकाल कराया 2014 उसनों मानयोग अदालत ने कैंसल करके मार कोर्ट में जमीन से स्टे एंट्री है। उस तो बाद मानयोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने भी स्टे किया है, जिसकी 15/9/2022 तारीख है, 1/5/8/2022 तारीख है। पर जदों के अदालत ने स्टे करने के बावजूद भी अज इन्होंने सारी कलोनी नूं घेरा पा के रोड बंद करके 250-300 बंदा इकट्ठा होकर सने श्रोमणी कमेटी SGP के मैंबर अते सने टास्क फोर्स के मैंबर हथियारबंद होकर अते SGPC का 200-250 बंदा इकट्ठा होकर इन्होंने अंदर कंधा तोड़नी शुरू कर दित्तियां। जदों मैं पुलिस को गया तो पुलिस मैं फोन किए तो एक घंटे बाद पुलिस पहुँच गई, जिस विच सरदार ASI चौंकी इंचार्ज आए, उन्होंने नाल चार मुलाजम सन, उन्होंने बड़ी जदोजहद की काम रोकने की, पर काम रुकया ना। उस तो बाद उन्होंने में हथोपाई होए, जदों उन्होंने अपने सीनियर पुलिस को बुला लिया, SHO साहब आ गए, तो फिर थोड़ी जी शांति हुई। जदों कि जबरदस्ती उत्थे नारेबाजी करते रहे, बन सने गालां कढ़दे रहे, श्रोमणी कमेटी का इन्ना ज़्यादा उत्थे गलबा सी, इकट्ठा सी इकट्ठ कि सारी कलोनी सहम नाल चुप करके बैठ गई। मैं फिर उतों तक चिट्ठियां कढ़ियां DGP साहब नूं, SSP साहब नूं, उप कमिश्नर साहब नूं, ते अजे भी उत्थे आण के खड़े आ, बाहर गेट ते खड़े आ। अज श्रोमणी कमेटी वल्लों इक कब्जा करदे होए गेट लगाउण दी कोशिश कीती, गेट उन्होंने गेट लियांदे सी नाल, वो गेट एक गेट नूं खड़ा करता, दूजा गेट गड्डी 'च पिया, ते अंदर मशीन वाड़ ली आ। पुलिस ने ना मशीन कब्जे कीती आ, ना मुलाजम कब्जे कीते आ, किसी मुलाजम अरैसट नहीं किया उन्होंने, किसी भी बंदे नूं उन्होंने अरैसट नहीं किया। जदों मैं बेनती की कि जदों इन्हों को कोर्ट में केस च पेंडिंग वा तो इन्हों गैर कानूनी ढंग काम नहीं करना चाहिए, पर वो अपनी गल तो बाज नहीं आए, वो जानों मार धमकियां देंदे रहे। इस मैनेजर जिहड़ा ही मैनेजर हरविंदर सिंह सलानी साहब का मेन नाल सैकटरी SGPC अमृतसर अते नाल इन्हां दे होर भी बहुत सारे अणपछाते आदमी सन, ये सारा सीन वीडियो में फोटोग्राफर में कैमरे में कैद है। पर मेरी मंग है इन्हां मुलाजमान ते एक परचा दर्ज किया जाए और इन्हां मुलाजमान सस्पेंड किया जाए, इन्हां मुलाजमान की कानूनी कार्रवाई की जाए, तो मेरा थान मेरा मैनू कागज वापस दवाया जाए। जदों कि मैं राती ही विदेश में बाहरों आया हाँ, मेरे घर वाली अजे उत्थे है, उन्हें 3-4 महीने बाद आना है, उन्हें साड़ी जगह पर नजायज़ कब्जा कर लिया है। हाँ जी, सानू धमकी दी इन्होंने कि जे तुसीं गल की तुहानूं जानों मार देवांगे, सानू पता नहीं तू अज आ गया वा, असीं ते तेरे सारी ताड़ी जगह पर कब्जा कर लेना। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੁਜੈਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਲੀਗਲ। ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਲੀਗਲੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸਟੀਪੀਸੀ ਸਦੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤਕਮੁਕੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਏ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਲੀਗਲੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ।